नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मैन पावर ऑफिस के बारे में। जी हाँ भैया, समय समय पे हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेट में कितने मैन पावर ऑफिस हैं और उनके द्वारा आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे गोवा से रिलेटेड। अगर आप गोवा के आसपास के हैं, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि साथियों की बहुत सारे लोग, जैसे राजस्थान के लोग पंजाब घुस रहे हैं, पंजाब के लोग हिमाचल घुस रहे हैं या फिर पुणे घुस रहे हैं, महाराष्ट्र घुस रहे हैं एजेंटों के चक्कर में। जी हाँ, तो आप पर्टिकुलर ये सोचिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिसी कहीं पर भी आप पूरी इंडिया में रहते होंगे, क्योंकि इंडिया के बता दूं 1556 मैन ऑफिस मैन पावर ऑफिस हैं जो लगभग 28 राज्यों में हैं। जी हां, 28 स्टेटों में। तो आपके कहीं ना कहीं नियर में ये ऑफिस आपको मिल सकती है, आपको थोड़ी सी बस कोशिश करनी पड़ेगी मैन पावर ऑफिस जाने के लिए। जी हां, गोवा से अगर गोवा के आसपास के हैं, गोवा से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो गोवा में टोटल 8 ऑफिस हैं। जी हां, 8 ऑफिस टोटल हैं, जिसमें नॉर्थ में 5 हैं और ईस्ट में 3 ऑफिस हैं। वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट मैन पावर ऑफिस, चाहे आप किसी भी देश के लिए अप्लाई करें। मैन पावर ऑफिस से अप्लाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप चीटिंग बाजी से बच जाओगे, फ्रॉड नहीं होगा। जी हाँ, आए दिन मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि 20-30 लाख की ठगी के लोग तो मेरे पास आ जाते मोबाइल पे, बाकी कितने होंगे भाई? मुझे तो थोड़े से इतने से लोग देखते हैं, बाकी तो पूरी इंडिया भरी पड़ी है ना, कितने लोग ठगी के शिकार होते होंगे। तो इसलिए बेनिफिट आपको सबसे बड़ा है कि फ्रॉडबाजी से बच सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ फर्जीवाड़ा, चांसेस बिल्कुल नए के बराबर होते हैं, जल्दी काम होने के चांसेस बन जाते हैं और आपके पैसे नहीं डूबेंगे, आपका समय बचेगा और आपको अच्छी जॉब से रिलेटेड आप एक ड्रे पे चले जाओगे। जी हाँ, अगर उनके पास काम नहीं होगा तो साफ मना कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इस देश का जॉब नहीं है, आप दूसरे देश के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी फर्जी एजेंटों के संपर्क में आते हैं तो सभी देशों की ऑल वैकेंसीज एनी टाइम, सभी देशों के वीज़ा उनके ऊपर वाली जेब में भरे पड़े होते हैं, जैसे कांटेक्ट करते हैं आपको वो वीजा देने की कोशिश करते हैं। और खर्चा उनका इतना कम होता है, 10-20-30 हज़ार रुपए, बस कनाडा पहुंचा देंगे आपको 50 हज़ार के अंडर में। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, कहीं के भी रहने वाले हैं, आप अपने नियर के 100 किलोमीटर के एरिए में ऑफिस ढूंढने की कोशिश करें। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो भाई इस बुक में भी पूरी सुविधा दी गई है, मैन पावर ऑफिस कैसे करें, अप्लाई करें कैसे, पूरी डिटेल 320 पन्नों की ये बुक है, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। मैन पावर ऑफिस भी मिलेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेंगे, उम्मीद मैं ये करूंगा कि आपके पास के 100 किलोमीटर के एरिया में ऑफिस मिल जाएंगे। जी हाँ, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर अभी एक बुक भी आप परचेज करना चाहते हैं तो भाई परचेज कर सकते हैं, कोई बड़ी रकम इसके लगने वाली है नहीं। विदेश जाते हैं तो लाख रुपए का बंदा मिनिमम खर्चा आ ही जाता है भाई, मेडिकल के नाम से भी लोग 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं आपसे, आपको सबको पता है इन बातों का। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमेशा मैन पावर ऑफिस से ही अप्लाई करें, उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं और भी बहुत सारे मैंने वीडियो इस पर बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो नया डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।